हेलो। हाँ भाई, मैं बोल रहा था भाई, मेरा फोन हीट कर रहा है यार, कोई टिप्स बता दो ताकि मेरा फोन हीट ना करे और भाई लैग ना करे। लैग की आपके पास 12 टिप्स है और वो भी एडवांस टिप्स है, तो भाई प्लीज बता दो यार, मेरा फोन बहुत ज्यादा लैग करता है यार। ठीक है भाई, मैं आपकी वीडियो देखने के लिए जा रहा हूँ इंटरनेट। मैं आपका वीडियो अब देखो, बीजे में खेलते हुए ना मेरे को कम से कम 5 से 6 साल हो गए। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 2018 वाला प्लेयर हूँ, बट मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि मैं आप लोगों का लैग फिक्स करवा सकता हूँ। अब लैग होने के 2 रीजन होते हैं। पहला जो रीजन होता है वो आउट गेम होता है, मतलब गेम का उसमें कोई मेजर वो रहता ही नहीं। आपके फोन के अंदर जो दिक्कत होती है, जो आप नहीं यूज करते हो, मतलब जो चीजें होती है एडवांस टिप्स होती है। एंड दूसरा आपके इन गेम होती है, इन गेम भी बहुत तगड़ी चीज है जो एडवांस है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये वाली वीडियो पूरी कम्युनिटी से थोड़ी अलग होने वाली है। एंड भाई मेरे पास पहले Poco F1 था, एंड Poco F1 की मदद से ना मैंने 50K सब्सक्राइबर्स किए थे। एंड भाई कितना लैग होता है गेम, तुम्हें पता है भाई BGMI कितना बड़ा गेम है, एंड फिर भी भाई मैंने उस वाले फोन में गेम खेल के ना भाई लिटरली 50K सब्सक्राइबर्स किए। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग YouTube चैनल ओपन कर लो, तो सिंपल आज मैं टिप्स बताऊंगा ना, आपका जो गेम प्ले वो काफी स्मूथ हो जाएगा। एंड काफी सारी एडवांस टिप दूंगा जो कि किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं दी होगी, ठीक है। एंड आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना। एंड भाई दिल से शुक्रिया जो बंदे पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हैं और जो बंदे बेल आइकन कॉल पे करेंगे ना। और भाई बाकी इस वाली वीडियो में ना आपको मैं ऐसी चीज दूंगा जिसका गिव अवे करने वाला हूं, एंड अगर आप उस गिव अवे में जीत जाते हो तो आपको काफी फायदा होगा, आपका लैग 98% है ना, मतलब कि फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं गेम के अंदर। पहले आपको मैं मेजर और एडवांस टिप्स दे रहा हूं, आपको अपने मोबाइल फोन के, चाहे आपका फोन 2GB रैम में हो, आपको ना बैटरी वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे बैटरी में नीचे की तरफ स्लाइड करोगे ना तो आपके फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है ना जो बैकग्राउंड में बैटरी कंज्यूम करती है, ठीक है। देखो बैटरी का बहुत बड़ा मैटर है, मैं आपको समझा दूंगा एंड में। आपको क्या करना है, जो भी आपको एप्लीकेशन दिख रहा है कि भाई ये एप्लीकेशन है जो कि ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, जैसे इंस्टाग्राम है, काइन मास्टर है, तो यहाँ पे टैप कर रहा हूँ और यहाँ पे रिसीड सेलेक्ट कर देना, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना बैटरी रिसीड हो जाएगी, मतलब कि जो बैकग्राउंड में काम करेगा ना तो आपकी जो बैटरी है ना वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। वैसे ही आपको हर एक एप्लीकेशन, मतलब BGMI का नहीं करना है, एंड यहाँ पे टेलीग्राम पे सेलेक्ट करोगे तो नीचे वाला ऑप्शन जो रिसीड है उसको सेलेक्ट कर लेना। मैं वापस उसी पे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बैकग्राउंड में यूजेज है, क्योंकि मैं यूज करता हूँ भाई यूट्यूब चैनल में, काइन मास्टर वगैरह सब कुछ चीजें, ठीक है। इंस्टाग्राम भी भाई रिसीड में सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी मैं ऑप्टिमाइज पे वापस कर देता हूँ क्योंकि मेरा लो एंड डिवाइस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब 12GB रैम में खेलता हूँ तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, और वैसे भी मेरे पास आईफोन में मैं खेलता हूँ, उसमें खेलता ही नहीं हूँ, ठीक है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पे बैटरी सेवर में ऑन आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रिड्यूस स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ठीक है। इसको आपको है ना भाई लिटरली इसको ऑन कर देना, ठीक है। ऑलरेडी ऑन है क्योंकि मैंने कई महीने से कर रखा था, होता कुछ नहीं है। जब भी आपकी बैटरी लो होगी ना डिवाइस की, तो ये है ना क्या करेगा, अपने आप है ना फ्रेम रेट्स को ना एडजस्ट करेगा। अगर आप लोग 60 FPS पे खेल रहे हो ना, अगर आप 60 FPS पे खेलोगे एंड अगर आपका बैटरी लो होगा तो वो 60 FPS ही देगा, तो रेंडरिंग में प्रॉब्लम आएगी, GPU गर्म हो जाएगा, एंड उसके बाद भाई आपके फोन की जो लगेगी ना वो गलत ही लग जाएगी, ना आपका फोन बहुत ज्यादा, मतलब गेम बहुत ज्यादा लैग करेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपको अपने फोन का, जब भी आप लोग गेम खेलते हो तो कवर उतार देना, देख सकते हो कवर कितना मोटा है। एंड वैसे आप इसको ले सकते हो भाई सर्दियों में, जैसे आप लोग अगर गर्मी के, मतलब गर्मियों में अगर सर्दी के कपड़े पहन लेते हो तो आपका, मतलब समझ सकते हो ना आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। एंड वैसे भाई सिंपल है, तो अगर आपका मतलब फोन, अगर आपका मतलब आप कवर उतार देते हो तो आपका फोन बिल्कुल हीट नहीं करेगा, एंड जो भी मतलब आपका फोन हीट होता रहेगा तो साथ साथ में मतलब कि कूल होता रहेगा, ठीक है। अभी लोग तीसरी गलती क्या करते हैं भाई, हमारा फोन होता है 15 से 20%, क्योंकि हम स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, या फिर हम जैसे भी खेलने बैठते हैं, हम पहले इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम गेम खेलते हैं। उसके बाद होता क्या है, जो हमारी जो फोन की परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, एंड हम क्या करते हैं चार्जिंग पे लगा के खेलने लग जाते हैं। तो हमारे फोन का प्रोसेसर बीच में भी होता है और कैमरे के साइड में होता है, लास्ट में भी होता है किसी बंदों का, तो क्या होगा कि प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट करने लग जाएगा और रेंडरिंग होगा बहुत ज्यादा गेम, एंड भाई फ्रेम रेट्स है ना ऑटो एडजस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। और जो आपका मतलब FPS होता है वो भी गिर जाएगा, इसकी वजह से ना आपकी गेम की जो क्वालिटी है वो टट्टी हो जाएगी, एंड जैसे ही बंदे वगैरह आएंगे ना या फिर हॉट ड्रॉप वगैरह पे उतरोगे तो टट्टी हो जाएगा फोन, ठीक है। दूसरा भाई सबसे मेजर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप अपने फोन को चार्ज लगा रहे हो ना, आपको कभी भी आपको ऐसा हो कि भाई हाँ मैं अभी गेम खेलने लगा हूं तो मैं क्या करता हूँ फोन पहले चार्ज लगा लेता हूँ उसके बाद खेलूंगा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आपको अपने फोन को ऑन करके चार्ज नहीं लगाना है, आपको अपने फोन को ऑफ कर देना है। मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको अपने फोन को ऑफ कर देना है, एंड यहाँ पे आपको ऑफ करके ना अपने फोन को चार्ज लगा के छोड़ देना है। आपको चार्जिंग परसेंटेज तो दिखाएगा कि भाई इतना परसेंट चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन जो आपका फोन जब आप ऑन करोगे ना चार्ज फुल होने के बाद, तो आपका फोन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने के बाद बिल्कुल नया नया लगता है, जैसे रीसेट मारते हैं ना फोन को वैसे होता है, एंड देन भाई आपका फोन बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो शुरुआत होती है, मतलब आपके फोन ऑन होता है, जैसे सिस्टम ऑन होता है ना, PC ऑन होता है, वैसे आपका फोन ऑन किया जाता है एंड देन आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, वैसा हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने जो BGMI ना BGMI के डाटा जो होते हैं ना, आपको यहाँ पे आना स्टोरेज में, यहाँ पे देख सकते हो BGMI कितना बड़ा हो चुका है। आपको क्या करना है, स्टोरेज पूरा का पूरा क्लियर कर देना, 0 MB हो चुका है अभी, आप लोग देख सकते हो। एंड भाई एक बार के लिए आपका जो रिसोर्स पैक होता है, बाकी सब चीजें जो होती है वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको एक और तगड़ी चीज बता रहा हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा। आपको सिंपल अपने गेम को ओपन करना, आप 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स पैक मिलेंगे, एंड जो रिसोर्स पैक होते हैं ना वो अपने अपने फोन के हिसाब से हमें डाउनलोड करने चाहिए, बट बहुत सारे बंदे क्या करते हैं हाई क्वालिटी के लिए ना, हाई ग्राफिक के लिए ना क्या करते हैं, मतलब बड़े वाला जो पैक होता है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अभी मैंने छोटे वाला सेलेक्ट किया, इसको डाउनलोड पर लगा दिया, आपको वैसे ही छोटे वाला सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या वो मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि रिफ्रेश रेट का बहुत तगड़ा मैटर है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ।
मतलब इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजें आपके गेम में लैग मतलब पैदा करती है। अब आपको क्या करना, आपकी जो फेवरेट ड्रेस है ना, यहाँ पे आपका पूरा पूरा रिसोर्स खत्म हो गया होगा, आपने डाटा क्लियर किया था, आपको अपनी जो फेवरेट ड्रेस है ना वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। फालतू के कपड़े जो है वो डाउनलोड नहीं करने हैं, ये बात ध्यान रखना। कभी ऊपर से पूरा पूरा रिसोर्स पैक डाउनलोड लगा दो तो फिर से वही दिक्कत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे मैं जो कपड़े हमेशा पहनता हूं वो मैंने पहन लिया, मेरी टोपी है चाइनीज वाली, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफिक में आना है, एंड यहाँ पे ग्राफिक में आने के बाद सबसे पहले मैं करता हूँ म्यूजिक का साउंड बंद कर देता हूँ भाई, वरना ये बेंच दिमाग खराब करेगा मेरा, ये कर दिया मैंने। अब बाद आपका गेम बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग्स बताता हूँ जो कि बेस्ट ग्राफिक सेटिंग्स है। सबसे पहले स्मूथ पे टैप करो, एंड एक्सट्रीम प्लस मेरे वाले में आ रहा है ऑप्शन, तो मैं एक्सट्रीम प्लस ही सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे एक्सट्रीम के बाद आपका कोई ऑप्शन आ रहा है तो वही आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आपको एक्सट्रीम करना है। अगर आपका एक्सट्रीम नहीं आ रहा होगा तो अल्ट्रा आ रहा होगा, अल्ट्रा नहीं आ रहा होगा तो हाई आ रहा होगा, ठीक है। आपका लास्ट में जो भी आ रहा है ना वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको कलरफुल सिलेक्ट नहीं करना, आपको सॉफ्ट करना है। इसका एक मेन रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जोनाथन वगैरह आपको आपने देखा होगा भाई सॉफ्ट सेलेक्ट करते हैं, मतलब है कुछ, मैं आपको बताता हूँ। यानी आपको जो अपना ये भी नीचे का तरफ सेटिंग है या भाई 2x 4x पे नहीं रखना, डिसेबल रखना है। पे एक और मेजर सेटिंग मिलेगी यहाँ पे, आपको पावर सेविंग मोड मिलेगा, ये डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देना। अब रीजन ये है कि भाई देखो आपके फोन की बैटरी जब भी लो होगी ना तो ये क्या करेगा, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपके फ्रेम रेट्स है ना उनको गिरा देगा, एंड आपके फोन की जो ग्राफिक कार्ड्स की जो क्वालिटी होगी ना उसको भी थोड़ा गिरा देगा, और जीपीयू रेंडर होगा, ठीक है। अब ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो गेम और भी ज्यादा लैग करेगा। एंड नीचे की तरफ को ब्राइटनेस मिलेगी, इसको जितना है 100 पे 100 पे रखना है, ज्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। एंड नीचे की तरफ एक और देख सकते हो आउटो एडजस्ट ग्राफिक वगैरह, इसको भी डिसेबल ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और कंट्रोल्स में आना, एडवांस कंट्रोल में नीचे की तरफ ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा। अगर आप यूट्यूबर हो तो भाई आपके पास हाई ग्राफिक वाला बढ़िया फोन होगा तो आप इसको इनेबल ही रखोगे। अब अगर आप यूट्यूबर नहीं हो, आपके पास लो एंड डिवाइस है, तभी आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो आप इसको डिसेबल ही रखना है। अगर आप इनेबल रखोगे तो बैकग्राउंड में क्या करेगा, बीजीएमआई खुद से है ना इस आपका जो पूरा गेम प्ले उसको रिकॉर्ड करेगा, एंड आपको एंड में उसकी रिकॉर्डिंग देगा, और आपको वो चाहिए नहीं क्योंकि आपको उसको डालना नहीं है कहीं पे। अगर आप डालना चाहते हो तब करो, बाकी मैं बोलूंगा तो भाई आप ना ऐसे मतलब फोन का जो रिकॉर्डर होता है ना उसका यूज करो, जैसे मैं करता हूं। आप अंदर का बीजीएमआई का रिकॉर्डर यूज मत करो क्योंकि आपकी ग्राफिक की क्वालिटी और आपके गेम के जो फ्रेम रेट्स होते हैं उनको गिराता रहता है, एंड बार बार आपका गेम लैग होता रहता है। अब मेजर जो चीज, आपको अपने फ्रेंड्स जितने भी है ना उनको अनफ्रेंड, अब मतलब आपको क्या करना है, अपने जितने भी फ्रेंड है ना जो फुद्दू फ्रेंड्स है, अब देखो आपको बहुत सारे आपके फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो कि भाई 7-7 दिन तक ऑनलाइन नहीं आते हैं। अब आपके जो दिल के करीब है ना भाई उनको ही रखो, अगर आप ज्यादा फ्रेंड्स रखोगे तो वो आपके फोन में है ना बहुत ज्यादा लैग उत्पन्न करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास पहले पोको F1 था, एंड पोको F1 में ना मैं पहले ना 50-50 फ्रेंड रखता था, ठीक है। तभी मेरे को मतलब समझ में आया कि भाई ज्यादा फ्रेंड्स मैं क्या ही करूंगा, तो मैंने ऐसे फुद्दू मतलब उसमें ना क्या किया, अनफ्रेंड कर दिया, और मैंने 12-13 फ्रेंड ही रखे, अभी भी मेरे 15 फ्रेंड है लास्ट, ठीक है। और उनको क्या करना है, उनको अनफ्रेंड कर देना, ठीक है। जो फुद्दू है ना जो मतलब हफ्ते तक नहीं आते हैं, या फिर रैंडम आपने कभी फ्रेंड बनाए थे रूम वगैरह खेले थे, उनको अनफ्रेंड कर दो। जो आपकी जिगरी है ना जिनके साथ हमेशा खेलते हो, उनके साथ खेलने में मजा आता है, और जो आपको लेवल अप करने में मतलब कि आपका साथ देते हैं उन्हीं को रखो, बाकी को अनफ्रेंड कर दो। ये जितने भी फ्रेंड्स होते हैं ना सबके सब आपके गेम में बहुत ज्यादा लैग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जितना आपके गेम के अंदर होगा ना पूरा सिस्टम वो पूरा का पूरा गेम को बहुत ज्यादा रेंडरिंग और बहुत ज्यादा फ्रेम रेट्स बनाने के लिए मजबूर करेगा, और आपका फोन हीट करेगा, और हीट तो तुम्हें पता ही है मेजर रीजन है, ठीक है। सबसे मेजर और एडवांस रीजन जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, कोई भी बंदा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, अगर आप यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग करते क्या हो, 4v4 अपने फ्रेंड के साथ लगाते हो, कोई भी क्लासिक या फिर रैंक मैच लगाते हो, या फिर आप कोई भी वो मोड खेलते हो, या फिर मतलब रैंक या फिर कोई भी आप खेलते हो, ठीक है, बीजीएमआई में, तो आप 4v4 खेलते हो। तो जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ 4v4 मैचेस लगा रहे हो, आप कस्टम खेल रहे हो, रैंक मैच खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो आपको सिंपल वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप हॉट ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप ऐसी जगह पे उतर रहे हो जहां पे बंदे हैं, या फिर आप कहीं पे फाइट ले रहे हो जहां पे स्क्वाड वगैरह आ रही है, या फिर एक भी बंदा है ना वहां पे, तो सिंपल आपको अपने जो अपने टीम का माइक होता है ना आप क्या करते हो, उसको ऑल पे रखते हो, या फिर आप नॉर्मल अपने टीम से बात करने के लिए अपने माइक को ऑन रखते हो, सामने वाले का जो स्पीकर होता है ना अपने टीममेट्स का उसको भी ऑन रखते हो, जैसे मैंने कर रखा, ठीक है। बट ये सबसे बड़ी गलती आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो, एक बार इस चीज का करके देखना भाई, मतलब मैं 50% अगर आपका लैग हो रहा होगा ना तो भाई इसी चीज से फिक्स हो जाएगा। वो करना क्या है, अपना माइक जो होता है ना, देखो मैं दिखा रहा हूं थोड़ा और कैमरे में जूम करके, यहां पे अपने माइक को क्या करना, डिसेबल कर देना है, और ऊपर की तरफ जो स्पीकर है ना जिससे अपने टीममेट्स की हमें आवाज आ रही है उसको भी डिसेबल कर देना है। अब जब आपको जरूरत हो तब ऑन करके अपने टीममेट्स को बोलो, या फिर उनकी कॉल्स लेनी हो ना तब ले लो भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इनको ऑन करोगे ना तो इतना ज्यादा लैग होगा, क्योंकि अपने आपके जो टीममेट्स जब बोलते हैं ना तो आपका फोन क्या करता है, बहुत सारे फ्रेम रेट्स बनाता है, और जब फ्रेम रेट्स बनते हैं तो जो आपका जीपीयू होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, या फिर जो आपका प्रोसेसर होता है, वो क्या करता है, अपने फोन के अंदर वर्किंग करता है, ग्राफिक कार्ड में मतलब क्या करता है, जो फ्रेम रेट्स होते हैं उनको बनाता है, FPS को मैनेजमेंट करता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, गेम बहुत ज्यादा लैग होता है। अपना बोनस पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, देखो अपने फोन के अंदर क्या होता है, गेम बूस्टर होता है जो कि बैकग्राउंड प्रोसेसर को बंद कर देता है, ठीक है। तो आप अदर अदर सेटिंग करते हो, डेवलपर ऑप्शन में जाकर आप जो भी सेटिंग करते हो वो फोन के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है, एंड अपने फोन के अंदर लैग को और भी ज्यादा बढ़ाता है। तो डेवलपर ऑप्शन कभी ऑन मत करो, उसके अंदर कोई भी अदर सेटिंग चेंज मत करो, क्योंकि वो मतलब भाई इंजीनियर्स का काम है, ठीक है, हमारा काम नहीं। उनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो फोन की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो खत्म हो जाएगी भाई, डेड हो जाएगा फोन, ठीक है। तो उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो सिंपल अपने फोन के अंदर एक गेम बूस्टर होता है, उस गेम बूस्टर से आप लोग गेम की मदद से खेल सकते हो,
अब बहुत सारे फोन के अंदर होता भी है, नहीं भी होता है, तो सिंपल करना क्या है, प्ले स्टोर पे गेम बूस्टर सर्च करना, आपको टॉप पे है ना 59 रुपए का गेम बूस्टर मिलेगा, उसको आपको क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। अब उस गेम बूस्टर का अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको इंस्टा पे मिलेगा। बाकी जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, जिनके पास गेम बूस्टर नहीं है, तो सिंपल मैं उनको गेम बूस्टर दे दूंगा, लेकिन जो जिन बंदों को मैं गेम बूस्टर दूंगा, जिनको गिवे करूंगा, तो सिंपल उनको करना क्या, इस वाली वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन कॉल पे कर लेना, एंड भाई इंस्टा पे मेरे को फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं उसको गेम बूस्टर खुद से उनको है ना ड्राइव पे दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो आपको फ्री में मिले तो भाई आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर आप ऐसे चाहते हो भाई, अगर आपके पास है पैसा वगैरह तो आप खरीद सकते हो प्ले स्टोर से, 59 रुपए का है वो, बाकी लिंक वगैरह आप मेरे से इंस्टा पे ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।